बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं हूं हबीबुल्ला कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। CS502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम, इस कोर्स की हमारी आज ये वीडियो है जिसके अंदर हम लेक्चर नंबर 13 को और लेक्चर नंबर 14 को जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। और कोशिश की है कि इसके अंदर जो एनालिसिस पार्ट है वो बहुत लेंथी है और पास्ट पेपर में भी वो नहीं आया, और ऑनेस्टली यही है कि मैं उसको समझा भी नहीं पाऊंगा आपको, वो इतना कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इस पे एफर्ट मैं नहीं करूंगा। बाकी इसका जो जनरल कॉन्सेप्ट है क्विक स्टार्ट का, इसकी एग्जीक्यूशन का, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि पेपर में अगर क्विक स्टार्ट के हवाले से, पार्टीशन के हवाले से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो क्विक स्टार्ट के हवाले से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जितने भी एल्गोरिदम अब तक हमने पढ़े हैं उनमें सबसे फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है ये, और ये बेस्ड करता है डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी के ऊपर। शुरू में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जिनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अगर आप गूगल करें ना यहाँ पे, कि मैं गूगल को खोलता हूं और मैं यहां लिखता हूं कि एल्गोरिदम की मेन टाइप्स क्या हैं, तो आप देखेंगे कि एल्गोरिदम की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। मसलन आपके पास एल्गोरिदम्स जो हैं वो डायनामिक प्रोग्रामिंग पे बेस हो सकते हैं, आपके पास डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी पर भी एल्गोरिदम बेस कर सकते हैं, आपके ऊपर रेंडमाइज्ड एल्गोरिदम भी हो सकते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट टाइप्स हैं एल्गोरिदम्स की, ग्रीडी एल्गोरिदम्स भी आपके पास हो सकते हैं, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम्स भी आपके पास हो सकते हैं, और आजकल जो चल रहे हैं ह्यूरिस्टिक या आप कह लें कि AI बेस्ड एल्गोरिदम्स भी मौजूद हैं। तो हर एल्गोरिदम के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी क्लास में फॉल करता है। तीन चीजें एक एल्गोरिदम के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नंबर वन, उसका रनिंग टाइम क्या है। नंबर टू, वो कौन सी कैटेगरी का एल्गोरिदम है। और नंबर तीन, के उस एल्गोरिदम का जो सूडो कोड है, जो उसकी लॉजिक है, वो किस पर बेस करती है। अगर हम क्विक स्टार्ट के कोड को देखें तो ये 7 लाइनों का कोड है, जिसमें अगर आप इसको देखें तो ये एक रिकर्सिव एल्गोरिदम है, क्योंकि इसके अंदर आप क्विक स्टार्ट आप कॉल कर रहे हैं। कॉलिंग ए फंक्शन इन साइड इट्स बॉडी इज कॉल्ड रिकर्शन। तो ये एक रिकर्सिव एल्गोरिदम भी है और ये एक डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटेजी के तहत जो है ये कॉल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पार्टीशन का एल्गोरिदम हम कॉल कर रहे हैं। एल्गोरिदम को अब अगर आप गौर से देखें तो इसमें आप एक कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद आप एक रेंडम इंडेक्स जनरेट करते हैं एरे के स्टार्ट और जो एंडिंग इंडेक्स है उसके दरमियान में से, और उसके बाद आप स्वैप कर देते हैं जो आपकी इनिशियल वैल्यू है उसके साथ AI को, और उसके बाद फिर आप पार्टीशन कर देते हैं, और पार्टीशन एल्गोरिदम के बाद आप क्विक सॉर्ट को कॉल करते हैं उन दोनों पार्टीशंस के ऊपर, यानी जो आपने की होती है। हमने पार्टीशन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा था कि पार्टीशन एल्गोरिदम जो है ये तीन हिस्सों में डिवाइड कर देता है आपकी एक एरे को। पार्टीशन एल्गोरिदम एक एरे है सॉरी जो P से R इंडेक्स पर मुश्तमिल है। अगर आप इस पे पार्टीशन एल्गोरिदम बनाएंगे तो तीन एरेज जनरेट होंगी। नंबर वन, जो पिवट एलिमेंट है X, यानी वो वाला एलिमेंट एक तरफ हो जाएगा, और उसके बाद स्टार्टिंग से लेकर इसे क्यू हम इंडेक्स कहते हैं, क्यू इंडेक्स जनरेट करेंगे, और जो ए ऑफ क्यू होगा वो आपका एक्स होगा, जिसे आप पिवट एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद आपके पी स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर उस पिवट को छोड़ के Q-1 तक आपकी एक एरे बन जाएगी, और फिर एक उस क्यू को छोड़ के Q+1 से लेकर R तक आपके पास एक पार्टीशन बन जाएगी। तो ये तीन पार्टीशंस में हमारे पास डिवाइड कर देता है जब पार्टीशन एल्गोरिदम चलता है। तो आप देख लें ये क्यू की बेस के ऊपर आपने AP R को आपने पार्टीशन किया, इसने पार्टीशन करके आपको
क्यू जो है इंडेक्स ऑफ द पिवट एलिमेंट जो है ये आपको रिटर्न किया, और उसके बाद उसी क्विक सॉर्ट को कॉल कर लिया गया है एरे पी से लेकर क्यू माइनस वन तक और एरे क्यू प्लस वन से लेकर आर तक, और इस तरह ये रिकर्सिव कॉल जो है वो चलती रहती है। अब इसमें जो मेन एल्गोरिदम है वो पार्टीशन का है कि जब ये पार्टीशन करता है तो वो कैसे करता है। अगर आपको पार्टीशन की लॉजिक समझ आ जाएगी, पार्टीशन के रनिंग टाइम का पता चल जाएगा, तो हम इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं कि ये क्या करता है। तो ये कोड आपको याद होना चाहिए, इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद है। मैं हर लेक्चर में बार बार ये बात करता हूँ कि कौन सी तीन चीजें आपने किसी भी एल्गोरिदम के हवाले से याद करनी है। उसका सूडो कोड आपने याद करना है, उसके रनिंग टाइम याद करने हैं, और उसके बाद उसका जो रनिंग टाइम एनालिसिस है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अगर वो सिंपल है, समझ में आती है, तो आपने उस रनिंग टाइम एल्गोरिदम को और उस रिकर्सिव कैलकुलेशन को भी याद करना है। अगर नहीं आती तो आपको उसको इम्प्लीमेंट और लॉजिक उसकी बनानी आनी चाहिए। यहां पर आ गया जी, ये हमारे पास पार्टीशन। इस एल्गोरिदम में ना एक रूल और भी इस्तेमाल होता है कि रैंडम पिवट एलिमेंट कैसे चूज किया जाएगा। तो पिवट एलिमेंट को आप किसी भी टेक्निक से चूज कर सकते हैं। रैंडम को भी सिलेक्ट किया जा सकता है, फर्स्ट एलिमेंट को भी पिवट लिया जा सकता है, लास्ट एलिमेंट को भी पिवट लिया जा सकता है। यानी तीन तो चीजें यही हमारे पास आ गई ना कि हम कोई भी रैंडम लेंगे और उससे पे चला देंगे, हम कोई भी इनिशियल ले लेंगे, पहली वैल्यू ए पी, उसको पिवट रख लेंगे, जैसा कि यहां पर लिखा भी हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए पी। हम आखिरी वैल्यू जो है आर वाली, ए ऑफ आर, उसको हम पिवट रख के तो इसको चलाना शुरू कर देंगे। कोई एक वैल्यू भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी और रूल के तहत भी पिवट को सिलेक्ट किया है तो फिर भी आप स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखेंगे कि आप उस एलिमेंट को पहले उठा के ले आएंगे ए ऑफ पी के ऊपर, स्टार्ट के ऊपर, और फिर आप उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये इसकी एक इनवेरिएंट कंडीशन है, यानी ये कंडीशन नहीं बदलेगी चाहे जो मर्जी हो जाए। आप ये तो बदल सकते हैं कि आप रैंडम या पिवट एलिमेंट कैसे सिलेक्ट करें, लेकिन ये कंडीशन जो भी पिवट वैल्यू होगी उसको आप ए ऑफ पी यानी स्टार्टिंग एलिमेंट बना लेंगे और उसके बाद फिर आप उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल सी लॉजिक है पार्टीशन एल्गोरिदम के हवाले से। उसके बाद ये क्विक सॉर्ट के अंदर पार्टीशन का एल्गोरिदम है जो इसकी पार्टीशन करता है, ठीक है। अगर आप देखें तो इसमें एक आउटर लूप फॉर लगी हुई है, फिर उसके अंदर फिर एक डू व्हाइल लगी हुई है जिसके अंदर इफ कंडीशन है, और उसके बाद हम स्वैप करते हैं, अगर तो वैल्यू लेस देन है तो फिर स्वैपिंग होती है ए ऑफ क्यू और ए एस के दरमियान, यानी ए ऑफ एस की वैल्यू जो है वो ए क्यू को मिल जाती है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एक स्वैपिंग ऑपरेशन और परफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये पार्टीशन की आपके पास लॉजिक है। सूडो कोड एज इट इज आपने याद करना है। नीचे इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, ये एक एग्जाम्पल बयान की गई है और उसके बाद ये वाली एग्जाम्पल बयान की गई है। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए समझना थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है। इसलिए मैंने क्विक सॉर्ट की लॉजिक को समझाने के लिए चूज किया है गीक्स फॉर गीक्स के आर्टिकल को, ये वाला जो है, इसके जरिए इसे समझना आसान है और मुझे भी एक्सप्लेन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत ही सिंपल बात, एक रेंडम वेरिएबल, एक पिवट लेंगे और यहां पर इस मिसाल के अंदर जो है वो आखिरी एलिमेंट को पिवट चूज किया गया जी। आखिरी एलिमेंट 70 को पिवट लिया, उसके बाद आपने देखना है कि 70 की एक्चुअल पोजीशन इस एरे में कहां बनती है, और जहां पर बनती है वहां पर आपने 70 को मूव कर देना है। लेकिन जब आप 70 को मूव करेंगे तो उस पिवट के लेफ्ट साइड पे सारी वैल्यूज स्मॉल होंगी और राइट साइड पे सारी वैल्यूज ग्रेटर होंगी। ये क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम है। दोबारा सुन लें, पिवट एलिमेंट को सिलेक्ट करें, पिवट एलिमेंट जो होगा उसकी बुनियाद पे पार्टीशन करें एरे को, लेकिन उस पार्टीशन एरे के असूल क्या हैं कि उस पिवट एलिमेंट के लेफ्ट के ऊपर जो पार्टीशन होगी उसमें सारे एलिमेंट्स उस पिवट से स्मॉल होंगे और उसके राइट के ऊपर सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उससे बड़े होंगे। ये देखें, डिसीजन ट्री बना के जो है वो यहां पर दिखाया गया है, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है।
कि 70 को अगर हम चूज करें तो हम देखेंगे कि 10, 30, 40 और 50 ये 70 से स्मॉल हैं, तो ये तो आ जाएंगे लेफ्ट एरे के अंदर, और 80 और 90 आपके पास आ जाएंगे राइट एरे के अंदर। फिर हम पिवट लेंगे इसका लास्ट एलिमेंट, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि लेफ्ट पे आ जाएंगे सारे 10, 30, 40 और राइट जो है वो ब्लैंक आएगा। फिर हम इसका पिवट लास्ट एलिमेंट लेंगे और फिर इसी तरह करते चले जाएंगे, तो आप देखें जी हम यहां तक, इस तरह आप इस पार्टीशन का ट्री बना सकते हैं और उसके जरिए आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाद में ये वैल्यूज स्वैप होके जब मर्ज होंगी तो ये सारी वैल्यूज सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगी। और नीचे देखें जी ये पार्टीशन एल्गोरिदम चल कैसे रहा है। फर्ज करें आपके पास 10, 80, 30, 40 है जी, सबसे पहले 40 के साथ आपने लिया, ये स्टेप बड़ा अहम है जो एग्जैक्टली इस कोड के मुताबिक है जो ये वाला कोड है, ठीक है। हमने एक्स को सिलेक्ट कर लिया जी ए ऑफ पी, इसने यहाँ पे लिखा है हम स्टार्टिंग के साथ करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि एस जो है एक फॉर लूप चलाएंगे जो पहले जो पहला आपका एलिमेंट है उससे एक आगे से वो शुरू करेगा पी प्लस वन से लेकर आखिर तक, ठीक है। उसके बाद वो कंपेयर करेगा वैल्यू को, अगर तो वो कंपेरिजन ट्रू होगा तो फिर क्यू को मूव करता जाएगा नेक्स्ट, अगर वो कंपैरिजन फॉल्स होगा तो क्यू की वैल्यू नहीं बदलेगी बल्कि जो वैल्यू क्यू के ऊपर है उसको स्वैप कर दिया जाएगा ए ऑफ पी के साथ, ठीक है। हो सकता है इस बात की आपको लॉजिकली समझ नहीं आ रही, लेकिन विजुअली जो है वो आप इसको समझ सकते हैं। तो आप जरा विजुअली यहाँ पे देखेंगे, 40 हमारा पिवट एलिमेंट है, इस वक्त हमारा पी जो है वो 10 है और क्यू भी हमारा जो है वो, सॉरी पी भी हमारा 10 है और एस भी हमारा 10 है। हमने कंपेयर किया 10 को और 10 के साथ, ठीक है, और इसको स्वैप कर दिया इसी के साथ। फिर हमने कंपेयर किया 10 को, सॉरी कंपेयर किया हमने 40 के साथ, तो 10 चूंकि छोटा था तो हमने इसको स्वैप करना है, तो चूंकि इस वक्त पी भी यही है एस भी यही है तो 10 10 के साथ ही स्वैप हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आ गया जी 80, 80 को हमने कंपेयर किया 40 के साथ, तो हमने क्या बोला था कि अगर ये ग्रेटर वैल्यू होगी ए ऑफ एस, अगर लेस देन होगा तो जो है वो वैल्यू जो है ना स्वैपिंग दोनों सूरतों में होनी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है वो मूव कर जाएगी वैल्यू आगे और कोई स्वैपिंग 30 और 80 के दरमियान नहीं होगी, 40 ने नहीं अभी स्वैप होना, ये बात याद रखिएगा, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। अब आगे हम 30 के ऊपर, 30 जो था ये पिवट से स्मॉल था लिहाजा 30 और 80 जो है इसको स्वैप कर दिया गया, क्योंकि क्यों हमारे पास नहीं बड़ा था, क्यों अभी जो हमारे पास इंडेक्स था वो 80 ही था, एस जो है वो हमारे पास बढ़ के 30 हो गया था। अब यहां पर आके हमने 30 और 80 को हमने स्वैप कर दिया, पिवट हमारा 40 का 40 है। फिर हमने 90 को 40 के साथ कंपेयर किया, फिर 90 ग्रेटर है तो ये वैल्यू स्वैप नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास अब एक वैल्यू हमारे पास 80 है और एक हमारे पास 40 है, जब हमने ये वाला लूप जो है ये वाला लूप जब बाद में आएगा तो आप देखें हम क्या कह रहे हैं कि अब जो हमारे पास a ऑफ q की वैल्यू है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, स्वैप कर देंगे a ऑफ p, इस लूप से बाहर आके हम इसको स्वैप करेंगे, तो इस लूप से बाहर आके हमने 40 को उस 80 के ऊपर जाके स्वैप कर दिया। तो अब जो एरे बनी है वो देख लें जी, 40 हमारा पिवट था, ऑन द लेफ्ट सारे स्मॉल हैं और ऑन द राइट सारे बड़े हैं, ये उस एल्गोरिदम की मदद से ये वाला स्टेप हमारे पास हो गया, ठीक हो गया जी। अगर आप इसे इस तरह भी देख, यानी ये आप देखें एक एक पार्टीशन हुई है और ये हमारे पास एक पिवट की बुनियाद पे ये सारे सिलेक्ट हो गए। अब हमने क्या कहा हुआ है कि ये पार्टीशन करता जाएगा, पिवटिंग करता जाएगा, पार्टीशन करता जाएगा, पिवटिंग करता जाएगा, उसको जरा देखें इलस्ट्रेशन उसकी। 40 के ऊपर उसने पिवट किया जी, तो पहली इटरेशन के बाद सारे लेफ्ट पे आ जाएंगे और सारे राइट पे आ जाएंगे, ठीक है जी। फिर जनाब ये 10 और 30 जो है इसके ऊपर पिवटिंग होगी, तो 30 के ऊपर पिवटिंग होगी तो 10 इधर ही रहेगा, 30 इधर ही रहेगा। 90 80 में से 80 के ऊपर पिवटिंग होगी तो 80 इधर आ जाएगा, 90 आपके पास इधर चला जाएगा। अब आप देख लें जी ये सारे जो है ना वो सॉर्टेड है, जब बाद में इन्होंने इकट्ठे होना है, मर्ज होना है, 80 और 90 तरतीब से हैं, 10 और 30 तरतीब से हैं, तो फिर आपको वो वाला ट्री याद आएगा, ठीक है ना, कि जब हमने इसको ब्रेकअप किया तो हमारे पास तो पता नहीं, देखिए ये सारे यहाँ पर हैं, 10 है, 30 है, तो ये सारे कलेक्ट होके आएंगे तो 70 आपके पास यहाँ पे होगा,
जब आप इस ट्री को मर्ज करेंगे, जो तीनों आपके पास एरे होंगी उनको जब आप कलेक्टिवली जो है वो सॉर्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये एरे आपके पास जो है वो सॉर्ट होके आ जाएगी। तो ये क्विक सॉर्ट का एक एल्गोरिदम है जिसमें हम पार्टीशन करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। हो सकता है कि आपको एक दफा वीडियो देखने से इसकी समझ ना आए, इस आर्टिकल को भी आप दोबारा से आके ये एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हैं। जो एग्जाम्पल हमारे नोट्स में दी हुई है ये कदरे जरा मुश्किल है, इसकी एग्जीक्यूशन के ये जो स्टेप्स है ना ये समझने में जरा दिक्कत आती है, इसलिए मैंने देखा था कि हम कहीं आगे मूव कर जाते हैं जी। तो अब यहाँ पर भी वही स्टेप हो रहा है, तीन है, फाइव को, तीन को तीन के साथ रिप्लेस कर दिया गया, तीन और आठ को कंपेयर, फाइव को कंपेयर किया गया है क्योंकि यहाँ पे फाइव को हमने पिवट रखा हुआ है। तो आप देखें तीन जो है वो हमारे पास स्मॉल है, तो कुछ नहीं हुआ, फिर आगे मूव करते चले जा रहे हैं। फिर आठ को और इसको देखा गया, तो जब आठ और इसको देखा गया तो यहाँ पर चूंकि ये स्वैपिंग होगी तो अब आपकी वैल्यू जो है वो चार आठ की जगह आ रही है। तो इस तरह अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो शायद ये आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। लेकिन जो आसान तरीका है, जो आसान वे आउट है, क्योंकि बाज़ औक़ात पेपर में मुझे याद है कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको ना ये एरे दे के आपसे कहा जाता है कि इसको क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम के जरिए सॉर्ट करके दिखाएं और इसके स्टेप लिख दें। तो इसके स्टेप क्या बनेंगे, इसके स्टेप ये बनेंगे, हम पहले 70 दरमियान में रखेंगे और दो पार्टीशन में इसे डिवाइड कर देंगे, जैसे ये 40 को रखा और ये दो पार्टीशन बना दी, फिर 30 को रखा फिर दो पार्टीशन बना दी, और इस तरह हमारे पास ये वाले स्टेप आप लिखते चले जाएंगे तो आपकी एरे जो है ना ये एल्गोरिदम जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद आखिरी बात जी, इसका रनिंग टाइम एनालिसिस क्या है, और ये आप देख सकते हैं मैंने शुरू में भी आपको बताया था, ये उसी तरह यहाँ पर भी ट्री मौजूद है, ठीक है ना। पहला एलिमेंट पिवट आपका 10 था, फिर आपने 5 लिया, फिर आपने 13 लिया, ये दूसरी एग्जाम्पल है जो यहाँ पे की गई है। इस एग्जाम्पल में उसने वही चीज यूज किया है कि लास्ट एलिमेंट को उसने पिवट कंसीडर करके ये पहली पार्टीशन की है, ये सारे स्मॉल हैं, ये सारे ग्रेटर हैं। फिर जनाब इस वाले हिस्से में उसने 5 को लिया और इस वाले हिस्से में उसने 13 को लिया, ठीक है। जब 5 अपनी असल पोजीशन में आ गया तो इस वाले हिस्से में क्या आ जाएगा, 3 आपका पिवट बनेगा, इस वाले हिस्से में 9 आपका पिवट बनेगा, इस वाले हिस्से में आपका 11 पिवट बनेगा। सारी पार्टीशंस है ना डिफरेंट किस्म की, तो डिफरेंट किस्म की पार्टीशंस बनती जा रही हैं, हर पार्टीशन का लास्ट एलिमेंट जो है वो पिवट बनता जा रहा है और हर पिवट के बाद जो है वो एरे आपकी सॉर्ट होती जा रही है पार्टीशन होने के साथ साथ। तो एंड पे आप देख सकते हैं कि ये वो सारे पिवट एलिमेंट्स उसने ब्लैक किए हुए हैं और ये पार्टीशंस जो है ना वो यहाँ पे शो की हुई हैं। लेकिन ये क्योंकि मुश्किल था इसको समझना, इसलिए मैंने पहले क्विक सॉर्ट वाली एग्जांपल से समझाया, अब शायद आपको इसमें कुछ जो है ना वो इजी हो जाए। फिर आपको इसके पिवट एलिमेंट्स के साथ ये ट्री बनाना भी आना चाहिए। एनालिसिस में अगर आप देखें तो इसका जो एवरेज रनिंग टाइम है वो एन लॉग एन है, ठीक है। वर्स्ट केस जो है क्विक सॉर्ट का वो एन स्केयर में चला जाता है जी, ठीक है। इसका जो वर्स्ट केस है वो अगर आप इस इक्वेशन को सारी को देंगे तो देखेंगे आपके वर्स्ट केस जो है वो इसका एन स्केयर में चला जाता है। तो ये एल्गोरिदम ऐसी तमाम सिचुएशंस में बेहतर परफॉर्म करेगा जहां पर स्मॉल नंबर ऑफ एरे एलिमेंट जो है वो स्मॉल हो जाएंगे। देखें जी एवरेज केस इसका जो है वो हमारे पास सिग्मा थीटा एन लॉग एन है। ये भी अगर आप देखें तो कोई गीक्स फॉर गीक्स वाले ने बड़ा ज़बरदस्त इसको एक्सप्लेन करने से पहले ही उसने बताया है जी कि ये क्विक सॉर्ट है, इसमें किस तरह से ये काम करता है वो लॉजिक बताई, और उसके बाद जैसे ही उसने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने के फौरन बाद उन्होंने बताया जी कि इसका बेस्ट केस टाइम क्या है, इसका एवरेज केस ये ओमेगा एन लॉग एन है। बेस्ट केस को हम ओमेगा नोटेशन से शो करते हैं, एवरेज केस को हम थीटा नोटेशन से शो करते हैं, और वर्स्ट केस को हम बिग ओ नोटेशन से। तो ये एन टू नहीं है बल्कि एन स्केयर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये इसका जो है वो रनिंग टाइम एनालिसिस है। उम्मीद करता हूँ जी मेरी इस कोशिश से आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी इसको समझने में, ठीक है ना। मैं अगर एज ए स्टूडेंट इसको पढ़ूंगा तो मैं यही एफर्ट करूँगा एज अ स्टूडेंट भी इसको समझने की, जो मैंने एफर्ट आपके साथ जो है वो शेयर की है। थैंक यू वेरी मच।